हेलो क्लास, वेलकम बैक अगेन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर अकाउंटेंसी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। एज पर द नेम से अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस चैप्टर विल रिलेट विद द अकाउंट्स इक्वेशंस। हाउ वी विल मैनेज द इक्वेशंस ऑफ अकाउंट्स। एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन से, अकाउंटिंग इक्वेशन अपने आप में क्या कहती है कि असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन का यहाँ पे मतलब हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो हमारे असेट्स हैं, असेट्स का मतलब यहाँ पे जो भी चीज आप ओन करते हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका लैंड हो गया, आपके कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे आइटम जो आपके खुद के हैं ये असेट्स के अंदर में आते हैं। लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि वो चीजें जो आपने अभी तक उधार में है आपके पास, आपको चुकानी है। और बात करते हैं अगर कैपिटल की, तो कैपिटल रिलेट करता है आपके टोटल वेल्थ से, जितनी भी आपकी टोटल वेल्थ है वो कैपिटल है। सो अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लास 11th आपके लिए फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स का, मैं दो बातें क्लियर कर देता हूँ कि एकदम से आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल ही नया है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे वैसे वैसे आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है। आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आप कहेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। सेकेंड चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अकाउंटेंसी में हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, उस उनके क्वेश्चंस को करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट गिवन है। इस फॉर्मेट को हम बदल नहीं सकते हैं, जैसा फॉर्मेट होगा हमें उसी फॉर्मेट को ड्रॉ करना होगा और उसी के अंदर हमें अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा, क्लियर। So, आज जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बना रखा है। सीरियल नंबर होगा फर्स्ट कॉलम, देन ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन वो जगह होगी जहां पे आप अपने क्वेश्चन को राइट करेंगे, असेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल और बीच में इक्वल टू का साइन, ये इसका फॉर्मेट होगा। और जो भी ट्रांजैक्शन यानी जो भी क्वेश्चन होगा हम इसी फॉर्मेट में बना के इसको सॉल्व करें। प्लीज रिमेंबर इन योर अकाउंटेंसी क्लास नोटबुक इज मैंडेटरी। आप सबके पास इस समय एक नोटबुक होनी जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स की क्लास कोई थ्योरी की क्लास नहीं है जिसको आपने सुन के पढ़ के समझ लिया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तब तक आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सो इट इज मैंडेटरी। अगर अभी तक भी कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ इस वीडियो को देख रहा है, उसके पास नोटबुक नहीं है, आई विल रिकमेंड प्लीज आप अपने पास एक नोटबुक अरेंज कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके पास ब्लैक पेन जरूर होना चाहिए। दिस इज फॉर ड्रॉइंग द फॉर्मेट। फॉर्मेट की जो भी लाइन होगी वो आप ब्लैक पेन से बनाएंगे। आपके पास ब्लू पेन ऑब्वियसली होगा। जो भी आपकी इस फॉर्मेट में हेडिंग्स, जैसे आप देख रही है हेडिंग्स है, सीरियल नंबर लिखा है, ट्रांजैक्शन लिखा है, असेट लिखा है, लायबिलिटी लिखा है, कैपिटल, ये हेडिंग्स है, इन हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से ही राइट करें। अनदर पॉइंट इज कि इस सिचुएशन में आपके पास स्केल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने मन से लाइन खींच देगा और उसकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी, तो फॉर्मेट बहुत ही खराब दिखेगा। आपको इस फॉर्मेट को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से ड्रॉ करना है। आपकी जो लाइन्स होगी वो स्केल से होगी। मेरे पास अभी यहाँ पे स्केल नहीं, मैं मार्कर से लिख रहा हूं, लेकिन आपके पास स्केल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड आप सबके पास नोटबुक इस तरीके से है जिसपे आप अभी काम करते हैं, इसी तरह से आप काम करते हैं नोटबुक में। अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होंगे इनको करने के लिए आपको अपनी कॉपी को इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी को यूज करना है। फॉर्मेट आप इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से उसमें काम करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं, ये आपकी नोटबुक में पूरा नहीं आएंगे अगर आप उसे पोर्ट्रेट यूज में यानी इस तरीके से अगर आप करेंगे।
आपको अपनी कॉपी को लैंडस्केप में लाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से एक ही पेपर में या एक ही पेज में कर पाए। सो नाउ दिस इज द फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग इक्वेशंस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर का होगा, सेकंड कॉलम आपका ट्रांजैक्शन का, थर्ड आपका असेट का, देन इक्वल टू का साइन, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, इस फॉर्मेट में काम कैसे करेंगे, उसके लिए यहां पर हमारे पास वेरियस ये ट्रांजेक्शन गिवन है। आपको याद नहीं करना है कुछ भी ट्रांजेक्शन, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, आपको ये ट्रांजेक्शन को याद नहीं करना है, ये सारी ट्रांजेक्शन आपके क्वेश्चंस में रिपीटेडली आती रहेगी। और जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिपीटेडली, एक ही एंट्री को आप तीन तीन बार बार चार चार बार कर रहे हैं, तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा आपको, आपको कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि आपको ये याद करना है। हाँ, इसको पढ़ना जरूर है, और जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बाई चांस कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया, कोई एंट्री आ गई, आपको नहीं याद आ रहा है, उस टाइम पे ये एंट्रीज आपको हेल्प कराएगी कि कौन से ट्रांजेक्शन को कैसे करना है। चलिए हम इस ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आती है वो आती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये जो एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, इसी से क्वेश्चन शुरू होता है। जब कभी आपके पास पहली एंट्री आती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी ट्रांजेक्शन को आपको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, आपने कैश में शुरू करना है, कैश में आपने आइटम को डालना है, जितनी भी अमाउंट से आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको कैश में डालेंगे एंड देन कैपिटल में डालेंगे। तो जो हमारे पास ये फॉर्मेट हमने बना रखा है, इसमें जो पहला कॉलम बन जाएगा वो असेट है हमारा, वो पहला कॉलम किसका बन गया हमारे पास यहाँ पर, कैश का बन जाएगा। हम कैश में प्राइस लिखेंगे, जो भी हमारा जिस मनी से हम अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जितनी अमाउंट से हम शुरू कर रहे हैं, वो हम पहला चीज कैश में लिखेंगे, और हमारे पास कैपिटल का कॉलम बना हुआ है, उसको दूसरी अमाउंट को हम कैपिटल में लिखेंगे, यानी जो सेम अमाउंट है वो कैश में भी जाएगी और कैपिटल में भी जाएगी। इसकी एंट्री हम इस तरीके से करेंगे। सेकंड जो हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है क्रेडिट परचेज। मैं अब आपको यहाँ पर पहले ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ कि कुछ वर्ड आपके पास यहाँ पे ऐसे आने वाले हैं जो अभी तक शायद आपने सुने नहीं होंगे, तो प्रेशर नहीं लेना है, मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड वर्ड आ रहा है वो है क्रेडिट परचेज। परचेज तो सबने सुना ही होगा, क्या होता है परचेज, मतलब खरीदना, क्रेडिट मतलब होता है उधार में खरीद। क्रेडिट परचेज का मतलब है हमने जो भी सामान लिया है उधार में खरीदा है। तो जब क्रेडिट परचेज हम करेंगे तो इसकी जो हमारी एंट्री है वो है क्रेडिट एंड स्टॉक। याद रखना कि परचेज, कुछ भी सामान जब हम परचेज करते हैं लिखा आता है क्रेडिट परचेज गुड्स। ये जो गुड्स वर्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये गुड्स रिप्रेजेंट करता है स्टॉक, इसको रिप्रेजेंट करता है स्टॉक को। तो जब भी हमने ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि क्रेडिट परचेज गुड, यानी हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट में या हमने कैश में भी परचेज किए गुड, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, गुड्स लिखा है, गुड्स का मतलब असेट में एक और कॉलम आप बना देंगे जिसका नाम होगा स्टॉक। गुड्स था तो इसलिए हमने दूसरा कॉलम किसका बना दिया, स्टॉक का, और अमाउंट अब हम यहां पे स्टॉक पे लिख देंगे। क्रेडिटर एंड स्टॉक में सामान को हम लिख देंगे, यहां पे हमारा क्या है क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब हो गया उधार, यानी वो आइटम किसमें चला जाएगा हमारा लायबिलिटी, इसको हम उधार बोलते हैं। तो इसकी जो एंट्री बनी वो ये बनी कि हमने क्या करना है, क्रेडिटर में डाल देना है अमाउंट को और स्टॉक में डाल देना है अमाउंट को, एड करके ऐड करके क्रेडिट स्टॉक में डाल देंगे और क्रेडिटर में डाल देंगे। थर्ड एंट्री जो हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन आती है वो आती है बैंक लोन। मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसको इस तरीके से समझिए। देखिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चन को अपने ऊपर समझिए कि ये एंट्री मैं कर रहा हूं तो मेरे साथ क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपने बैंक से अगर लोन लिया है तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा। भाई बैंक से लोन ले रहा हूं तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, लेकिन वो मेरा उधार भी हो गया। पैसा तो आ गया मेरे पास तो वो मेरा क्या हो गया, उधार भी हो गया। तो जब आप
उनके पास क्वेश्चन आया बैंक लोन, तो ये जाएगा बैंक और लाइबिलिटी में, यानी असेट में मैं एक कॉलम बनाऊंगा बैंक नाम से, बैंक नाम से एक कॉलम बनाऊंगा, और लाइबिलिटी मेरा यहां पर है यानी उधार लोन कर, यानी मेरे पास पैसा भी आ गया और कैसे आया, क्योंकि मेरा उधार। थर्ड जो हमारे पास आते हैं रिसीव्ड कमीशन, कमीशन का मतलब यहां पर ये होता है जो कि आपको पैसा किसी काम के जरिए मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है आपको, आपने कोई काम करवाया उसमें आपको एक परसेंटेज मिला है काम को, वो कमीशन कहलाएगा। अब अगर मैं यही सोचूं कि मुझे कमीशन मिला है तो ये एंट्री आपकी कहां जाएगी, ये आपकी जो कमीशन की एंट्री है कैश में जाएगी और कैपिटल में जाएगी, यानी जो आपने कैश का कॉलम बना रखा है इस कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और जो कॉलम आपका कैपिटल का है इस कॉलम में आप वो अमाउंट लिखेंगे और प्लस कर देंगे। मेरे प्लस का साइन लगाया जाता है, ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब मैंने आपको समझाया था जिससे वो पर्सन जिससे मैं उधार ले रहा हूं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, अगर मैं किसी से सामान उधार ले रहा हूं तो उसका नाम क्रेडिटर है, ठीक है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर, मैं अपना उधार चुका रहा हूं, तो मैं अगर अपना उधार चुका रहा हूं तो कैसे चुका रहा हूं मैं, कैश और लाइबिलिटी, यानी कि मेरे को अपना कैश को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और मैं जो उधार क्रेडिटर यानी जो मैंने लाइबिलिटी में क्रेडिटर बना रखा है उससे भी पैसा मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। और इसी बात है, आप दुकान में किसी दुकान में गए, आपने 500 रुपए का उधार लिया सामान, ठीक है, अब जब इसे चुकाने की बारी आएगी तो आपकी जेब से 500 रुपए तो कम होंगे, लेकिन जो वो उधर क्रेडिटर है उसके अकाउंट से भी वो 500 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो इसको इस तरीके से हम समझे। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉइंग, ड्रॉइंग की एंट्री होती है कैश और कैपिटल, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, हम कैश से भी माइनस कर देंगे और कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। अगर हम ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब होता है कि आप पैसा निकाल रहे हैं, अगर मैं क्या कर रहा हूं पैसे को निकाल रहा हूं तो उसको क्या कर रहे हैं, कैश से भी माइनस कर दे रहे हैं और कैपिटल से भी माइनस कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, मान लीजिए हमारे जो भी असेट्स हैं किसी भी एक असेट में हमको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना। अगर मैं एक पंखा खरीदा है आज जिसकी कीमत अगर 1000 रुपए है, तो एक साल बाद उसकी कीमत 1000 रुपए रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको यूज करूंगा उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो अगर मेरा कोई भी असेट डेप्रिसिएट हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, असेट और कैपिटल से माइनस, यानी जो भी मेरा असेट रहा होगा, फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूं फर्नीचर लिख देता हूं, ये मेरा एक असेट है, ठीक है, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा तो मैं फर्नीचर से भी माइनस कर दूंगा और उसे कैपिटल से भी माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट कैश परचेज, कोई भी सामान अगर मैं कैश में खरीदता हूं तो परचेज का मतलब मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, गुड्स है यानी कि स्टॉक, तो वो चीज अगर मैं कुछ भी सामान खरीद रहा हूं यहां पर कैश परचेज कर रहा हूं तो स्टॉक में तो मैं उसे प्लस कर दूंगा और कैश में उसे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं सामान खरीद रहा हूं कैश में तो मेरी जेब से कैश कम हो रहा है लेकिन मेरे पास सामान आ रहा है इसलिए वो स्टॉक में प्लस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैश फ्रॉम डेटर रिसीव, यानी हमने डेटर, यहां पे एक नया वर्ड है इसको समझ लेते हैं, डेटर क्या होता है, सो डेटर का मतलब क्या हुआ, जब मैंने किसी को उधार दिया तो मैं डेटर बन गया, अगर मैंने किसी से उधार लिया है, अगर मैं किसी से उधार ले रहा हूं तो वो है क्रेडिटर, लेकिन अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो मैं हूं डेटर। कैश फ्रॉम डेटर रिसीव, तो इसमें क्या करेंगे हम, जब कैश आ रहा है हमारे पास, अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो मैं कैश के आइटम में उसको क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, और डेटर के आइटम से उसे क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आप अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो अगर आप अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं आपके हाथ में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो इसीलिए कैश के कॉलम में प्लस हो जाएगा और आपके बैंक से वो पैसा निकल रहा है ना, तो बैंक में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिपॉजिट इन बैंक, अब इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी डिपॉजिट इन बैंक की, कि डिपॉजिट इन बैंक का मतलब क्या हुआ, कि मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं पैसा, तो ऑब्वियसली बात है मेरे से कैश तो कम हो गया तो कैश में क्या जाएगा, माइनस, लेकिन बैंक में वो जमा हो गया इसलिए बैंक में वो हो गया प्लस। फर्नीचर परचेज, अब यहाँ पे परचेज आ गया, फर्नीचर परचेज देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे, आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, परचेज का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है, गुड्स, अगर गुड्स लिखा है गुड्स परचेज तो स्टॉक में जाएगा, जहां वर्ड आता है गुड्स तब जाएगा वो स्टॉक में, लेकिन अगर नाम लिखा हुआ है क्या चीज परचेज कर रहा है तो वो असेट होगा। फर्नीचर लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे फर्नीचर का एक कॉलम बना दूंगा,
फर्नीचर में अमाउंट डाल दूंगा और परचेज कर रहा हूं ऑब्वियसली कैश में परचेज करूंगा तो कैश से माइनस कर दूंगा। अगर उधार में खरीदा फर्नीचर तो क्या करूंगा फर्नीचर के कॉलम में रखूंगा और क्रेडिटर में रखूंगा। ढंग से समझ लीजिए एक बार बात कि फर्नीचर परचेज फॉर कैश है, अगर कैश में मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो मेरी जेब से कैश कम हो जाएगा तो कैश के कॉलम से मैं माइनस कर दूंगा और फर्नीचर तो मेरे पास आ ही गया तो फर्नीचर के कॉलम में लिख दूंगा मैं। लेकिन अगर फर्नीचर परचेज कर रहा हूं उधार में, मान लीजिए फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट उधार में खरीदा, तो फर्नीचर तो आया मेरे पास असेट में लेकिन उसे मैं फिर कैश से माइनस नहीं करके क्रेडिटर में डालूंगा यानी उधार में मैंने खरीदा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी चीज इन्वेस्टमेंट की मैंने परचेज करी है तो वो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट में प्लस हो जाएगा, कैश में वो आपका माइनस हो जाएगा। बी आर ड्रॉन, बी आर का मतलब होता है यहाँ पे बिल रिसीवेबल। बी आर ड्रॉन में आप बिल्स रिसीवेबल के कॉलम, ये जो बिल रिसीवेबल का कॉलम होगा ये आपका असेट में बनेगा इस तरीके से, या असेट होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बी आर ड्रॉन में बिल्स रिसीवेबल में आप प्लस करेंगे और डेटर से माइनस करेंगे। बीपी एक्सेप्शन, यानी बीपी यहाँ पे हमारे पास होता है बिल्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटी होती है, हमेशा याद रखिएगा। बिल्स रिसीवेबल अगर हमारा असेट है तो बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। बीपी एक्सेप्टेंस तो आप बीपी में प्लस कर देंगे और क्रेडिटर से माइनस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड एक टाइप का इंटरेस्ट है, प्रपोज डिविडेंड अगर है तो कैपिटल से माइनस कर दूंगा और लायबिलिटी में प्लस कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने जितनी ट्रांजेक्शन लिखी है इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है, तो जब आप ये एंट्रीज को बार बार पढ़ते रहेंगे आपके दिमाग में आता रहेगा कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी कैसे जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रेशर नहीं लेना, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करते रहेंगे आपको ये एंट्रीज समझ में आती रहेगी। अगर आप इस एंट्रीज को 3-4 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आइटम कहाँ जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो हो रहेगी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसका क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसमें ट्रांजेक्शन यही रहेगी, फॉर्मेट यही रहेगा, इसी टाइप से हमें बनाना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उसकी दो जगह एंट्री हुई है, यानी दो जगह रिफ्लेक्ट कर रही है, या तो वो असेट असेट में रिफ्लेक्ट कर रही है, या वो असेट्स और लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट कर रही है, या वो असेट्स और कैपिटल में रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन एक एंट्री ऐसी होती है यहां पर जो तीन जगह रिफ्लेक्ट करती है, उसे हम सेल्स की एंट्री बोलते हैं। मान लीजिए एक गुड है जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए थी और उसे 6,000 रुपए में बेचा, हमेशा यही तो होता है। अगर कोई कंपनी या कोई भी आदमी 10 रुपए की चीज बनाता है तो क्या उसे 10 रुपए में बेचेगा? नहीं, ज्यादा में बेचेगा क्योंकि उसे पैसा भी तो कमाना है। तो ये जो एक एंट्री है कि मान लीजिए 5,000 का सामान था उसको हमने 6,000 रुपए में बेचा, इसकी एंट्री कैसे होगी? तो इसकी एंट्री कैसे होगी कि 5,000 का सामान मैं बेच रहा हूं यानी मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, स्टॉक से मैं माइनस कर दूंगा 5,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 का सामान है, मैं 5,000 का सामान मैं अपना स्टॉक से बेच रहा हूं तो 5,000 रुपए मैंने माइनस किया। मेरे पास रिसीव क्या हुआ? कैश, सामान बेच रहा हूं तो उसके बदले मेरे पास क्या आया? पैसा आया, कितने रुपए? 6,000 रुपए। तो कैश में प्लस कर दूंगा 6,000। अभी इन दो ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे 1,000 का प्रॉफिट हुआ। भाई 5,000 की चीज को मैंने कितने रुपए में बेच दिया? 6,000 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 1,000। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि स्टॉक में 5,000 माइनस कर रहा हूं, कैश में 6,000 प्लस कर रहा हूं, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ 1,000 का उसे मैं कैपिटल में प्लस कर रहा हूं। अगर मान लीजिए मुझे लॉस हो जाता है, 5,000 का सामान था 4,000 में बेच दिया, अगर मुझे क्या हो रहा है लॉस हो जाएगा, तो 5,000 में स्टॉक से माइनस कर रहा हूं, कैश में कितना आएगा? मान लीजिए 4,000 रुपए आ रहा है तो 4,000 कैश में प्लस कर रहा हूं, पर 1,000 रुपए का मुझे नुकसान हो गया तो मैं कैपिटल से माइनस कर रहा हूं, यानी लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करूंगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस कर। ये एक एंट्री ऐसी है जिसकी ट्रांजेक्शन हम तीन जगह दिखाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में, अभी इस वाली वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स बात करी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर को हम शुरू कैसे करेंगे। ठीक है, आप प्लीज एक बार ये सारी एंट्रीज को अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन को करते रहेंगे आपको यही सारी ट्रांजेक्शन रिपीटेड आती रहेगी। मैं आपको बताता रहूंगा कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, लेकिन आप एक बार इस एंट्रीज को आप जब पूरा लिख लेंगे तो आप उसको 2-3 बार भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। ओके।